खुशी की बात है कि इस रूम में हम लोग हैं और आप लोग का प्यार दुला रहे हैं, इतना अच्छा है कि हम लोग इस रूम में खड़े हैं और कहीं ना कहीं सबका प्यार दुला रहे हैं। और आगे काशी की बात, तो हम लोग पता नहीं कितना अच्छा काम किए कि हम लोग काशी में जन्म लिए हैं। कितना लोग काशी आने के लिए तरसते हैं, कितना लोग सोचते हैं, बट हम लोग का जन्म ही काशी में हुआ है। अच्छी बात बहुत। राधा जी से जानकर ही वो लोग भी सीखते हैं और बोलते हैं कि राधा कृष्ण जी जो होया करते थे कि इस तरह से प्यार किए थे, उन्हीं के देखा इसके प्यार करने लगे हैं। और मतलब अब के क्या हुआ है, यूपी बिहार में देख लीजिए तो अब के क्या हुआ है कि मतलब दो दिन में मतलब प्यार हो जाता है और मतलब तीसरा दिन मतलब समझिए कि काम खत्म हो गया। कृष्ण ऐसा भी बहुत सारे कृष्ण राधा को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने यही नहीं सिखाया था कि दो दिन में प्यार करो, फिर ब्रेकअप करो, फ्लर्ट करो। देखिए राधा जी क्या बोल रहे हैं, तो देखिए महादेव के पूरा वेशभूषा में हैं और देखिए कैसे महादेव सीधे प्रकट हो गए हैं और देखिए ढोलक बजाते हुए, देखिए एकदम पूरा पूरा से एकदम पूरा पृथ्वी पर पर ले लिया लीजिए। इस वक्त हम बनारस में मौजूद हैं और महादेव की नगरी बनारस में, इस वक्त हमारे साथ महादेव साक्षात पधारे हुए हैं बनारस में। कैसे हैं महादेव? बढ़िया है। अच्छा एक बात बताइए कि महादेव के एकदम पूरा वेशभूषा में एकदम महादेव सीधे एकदम प्रकट हो गए हैं और क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी पर बहुत सारा मतलब गलत काम हो रहा है। तो देख तो रहिए हम कब से कि गलत काम हो ही रहा है, पर आपसे नहीं होगा ना। सीधे आपको देखिए, सीधे हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सीधे सीधे महादेव से हम डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, महादेव से सीधे समझ सकते हैं कि महादेव से बात कर रहे हैं। अच्छा आप हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि डायरेक्ट हम महादेव जी से बात कर रहे हैं। आप महादेव से बात कर रहे हैं पर वो वाले महादेव नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। हम लोग महादेव का रूप धारण किए हैं। रूप मतलब साक्षात एकदम महादेव ही है, ऐसे नहीं बोलिए आप। अच्छा आप महादेव होकर ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है इस टाइम में महादेव हूँ। अच्छा थोड़ा महादेव के वेशभूषा में है तो थोड़ा महादेव वाला माइक चाहिए। तो देखिए महादेव के पूरा वेशभूषा में है और देखिए कैसे महादेव सीधे प्रकट हो गए हैं और देखिए ढोलक बजाते हुए, देखिए एकदम पूरा पूरा से एकदम पूरा पृथ्वी पर ले लिया लीजिएगा। और क्या महादेव डबरू बजाएंगे तो पूरा पृथ्वी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। और अच्छा ये एकदम पूरा हड्डी उड्डी एकदम लिए हुए है, कहाँ से आ रहे हैं अभी? काशी से आ रहे हैं। हाँ अच्छा महादेव के नगरी बनारस में क्या मतलब बनारस में क्या क्या कुछ किया है? बनारस में बहुत कुछ किए हैं काशी में रहकर अपने। आप लोग से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और आप यहाँ पे हैं, सीधे हमसे मिल गए हैं आप। किधर थे अभी आप? थे तो काशी में पर इस टाइम यहाँ पे आए। देखिए अभी हम महादेव जी को पकड़ लिए हैं और एक प्रोग्राम यहाँ चल रहा था तो इसी प्रोग्राम में महादेव जी मिल रहे हैं और इधर में कृष्ण भगवान है। नमस्ते प्रणाम सबको, राधे 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 कृष्ण। और बहुत खुशी के दिन है, मतलब बहुत खुशी वाली बात है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। खुशी के बात हमें है कि आप लोग महादेव जी कृष्ण भगवान और आप राधा जी सब लोग हमको मिल गए, सीधे सीधे हमारा ऑडियंस को भी मिल गए हैं। नहीं कहीं ना कहीं क्योंकि बहुत सारे होते हैं भक्त जन जो खोजते रहते हैं कि इधर कहाँ मिल जाए भगवान जी कृष्ण जी मिल जाए और आज हमारे मतलब हमको मिल गए हैं। सही बात है, हम लोग एक कलाकार सीधे हम सीधे जनता से आप बात कर रहे हैं। जी जी देखिए हम लोग एक कलाकार हैं और हम लोग अपने ही कलाकारी दिखाकर लोगों से अपना पेट चलाना सब कुछ चलाना, मतलब कि जो भी हम लोग करते हैं अपने दम पे करते हैं। हम लोग के भी घर परिवार ऐसा बात नहीं, बट घर परिवार थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं घर परिवार के अलग, इसलिए हम लोग घर परिवार अलग कलाकारी अलग। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री, तो हम लोग एक भोजपुरी इंडस्ट्री से है और ये जो हम लोग इस रूप में है बहुत खुशी की बात है कि इस रूप में हम लोग हैं और आप लोग का प्यार दुला रहे हैं इतना अच्छा, हमारे बड़े भैया गुरु जी का इतना बड़ा प्यार दुला रहे हैं कि हम लोग इस रूप में खड़े हैं और कहीं ना कहीं सबका प्यार दुला रहे हैं। और आगे काशी की बात, तो हम लोग पता नहीं कितना अच्छा काम किए कि हम लोग काशी में जन्म लिए हैं। कितना लोग काशी आने के लिए तरसते हैं, कितना लोग सोचते हैं, बट हम लोग का जन्म ही काशी में हुआ है। अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है। कृष्ण भगवान है, आपसे मेरा एक सवाल है। आजकल देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत के बारे में आपसे ही पूरा शुरुआत हुआ है कि आप कितने लोगों को रखे हुए थे? दरअसल प्यार जो होता है ना, ये प्यार देख रहे हैं आजकल के प्यार मोहब्बत कर रहे हैं और मतलब दो चार दिन में प्यार कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। नहीं नहीं, क्योंकि आप कृष्ण भगवान हैं और सीधे हम आपसे ही बात कर रहे हैं। प्यार देखिए, प्यार किए थे राधा कृष्ण जी, वो किए थे, हम लोग तो एक रूप लिए हैं। अच्छा रूप लिए हुए हैं, अभी तो साक्षात वही है। जी जी है तो वही, बट जो प्यार है ना एक मतलब पब्लिक लोग को दिखाने के लिए, मतलब ऐसे काम ना करने के लिए ऐसा। अच्छा आप कृष्ण भगवान के वेशभूषा में है, एकदम पूरा कृष्ण भगवान है। ऑडियंस को बता दीजिए जो प्यार कर रहे हैं दो दिन में मतलब प्यार कर रहे हैं और दो दिन में पूरा सब समाप्त कर लेते रहे। जी देखिए प्यार आप ही के देखा है, इसकी वो लोग भी सीखे हैं।
नहीं नहीं तो ये गलत बात है, हम लोग का देख के वो सीख रहे हैं गलत बात, क्योंकि वो प्यार किए थे मतलब एक बताने के लिए कि क्या कैसे होता है, यहाँ कैसे होता है प्यार। ये नहीं होता कि प्यार करके दो दिन में छोड़ दिए, रही बात ये प्यार की, तो प्यार हम लोग एक इंसान है पशुरूप ले हैं, हम ज्यादा प्यार के बारे में जानते तो नहीं है, जो भी है जितना भी बताते हैं। अच्छा राधा जी, राधा भगवान जी ये बात बताइए कि ये सब प्यार मोहब्बत कर रहा है एक सही बात है? सही भी है गलत भी है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा ये वेशभूषा में है ये, मतलब कृष्ण राधा जी से जानकर ही वो लोग भी सीखते हैं और बोलते हैं कि राधा कृष्ण जी जो होया करते थे कि इस तरह से प्यार किए थे, उन्हीं के देखा इसके प्यार करने लगे हैं। और मतलब अब के क्या हुआ है यूपी बिहार में देख लीजिए, तो अब के क्या हुआ है कि मतलब दो दिन में मतलब प्यार हो जाता है और मतलब तीसरा दिन मतलब समझिए कि काम खत्म हो गया। कृष्ण राधा को तो सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, उन्होंने यही नहीं सिखाया था कि दो दिन में प्यार करो फिर ब्रेकअप करो फ्लर्ट करो। देखिए राधा जी क्या बोल रहे हैं, सीधे देखिए आप लोग। उन्होंने बस ये बताया था कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे इंसान को जाना जा सकता है, बस इतना बताया था। एक दूसरे के साथ रह सकते टाइम स्पेंड कर सकते, ये नहीं बोला था कि किसी के साथ दो दिन रहो चार दिन रहो छोड़ दो, ये सब टाइम पास है। ये भगवान को बदनाम ना करा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए भगवान जी सीधे बोल रहे हैं कि हम लोग को बदनाम नहीं कीजिए, हम भगवान से सीधे डायरेक्ट बात कर रहे थे। और इधर में एक भैया है, कैसे है भैया? बिल्कुल नमस्ते प्रणाम। ए आप लोग कहीं टीम से? जी जी जी। आप कहाँ से? बच्चे मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, पर हम 6 साल से बनारस में ही रहते हैं। बनारस में ही हम सारा काम अपना सिंगिंग गायकी और एक्टिंग वीडियो और ये हमारे मॉडल सब हैं। हम इस काम से जो पैसा हमारे पास आता है उसी काम को लेके और सिंगिंग में हम लगाते हैं, वीडियो करते हैं उसी से हम लोग। इस काम करने में कितना खुशी मिलता है? जितनी खुशी मैं 2-3 फिल्म किया हूँ, जितनी खुशी मुझे उस फिल्म को करके नहीं हुई है उससे कहीं ज्यादा इसमें खुशी मिलती है मुझे। और मेरा नाम है इमरान शाह, इस काम को करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। कितना दिन से काम कर रहे हैं? ये लगभग हो गया मेरा 3 साल ये काम करते हुए, और ये काम मैं शुरू किया हूँ इन बच्चों के लिए। कैसा लगता है मतलब काम करके? बहुत बिल्कुल अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, कभी मैं पैर छूता हूँ कभी ये लोग पैर छूते हैं, ये भी बहुत एक और एक साथ रहने का 8-10 लोगों का इतना समझ लीजिए कि बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि एक साथ रहने का सौभाग्य मिला हम लोगों को। अच्छा इस तरह से मतलब इवेंट में जाने के लिए कैसे मतलब आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि इस तरह से हमको जरूरत है? वो कार्ड रहता है यूट्यूब पे, हमारा नंबर है 9034425566। यूट्यूब पे भी नंबर है और वीडियो रुद्रा महाकाल झांकी के नाम से वीडियो भी आता है। वैसे मेरा छोटा पवन और एक्टर इमरान शाह डालेंगे तो 100 मिलियन 110 मिलियन 20 मिलियन 50 मिलियन बहुत सारे गाने, लगभग 2000 गाने। और मैं भी एक सिंगर हूँ, ये भी एक सिंगर है, एक एक्ट्रेस है और वो भी एक सिंगर है, और बाकी यहाँ पे सब सिंगर और एक्टर ही है। जी तो चलिए हम शंकर जी से बात किए, डायरेक्ट शंकर जी से बात किए और कृष्ण भगवान और राधा से डायरेक्ट बात किए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।